नरेंद्र मोदी INDIA के गठन के बाद से ही हताशा में है, घबराहट में, और ये पूरे देश ने देखा। जब वो अविश्वास प्रस्ताव पर उत्तर दे रहे थे तो 1.5 घंटा INDIA पर भाषण दे रहे थे। पाकिस्तान भी घूमेंगे, जदयू वाले हिंदुस्तान भी घूमेंगे, इसलिए कि हम लोग धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोगों में नहीं है। हम लोग समाज में सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सद्भाव वाले लोग हैं। नमस्कार, मेरा नाम अविनाश और आप बिहार इनसॉर्ट देख रहे हैं। एक तरफ महागठबंधन की तरफ से कहा गया जिस तरीके से कि जो भारत का जो संविधान है, पाकिस्तान का संविधान जो बेहतर है, उसके बाद अब बीजेपी की तरफ, पहले जो संजय जायसवाल है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि बिहार की स्थिति जो है बदतर हो गई, पाकिस्तान वाली हालत हो गई। अब केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि जदयू वाले को पाकिस्तान घूम के आना चाहिए, जिस तरीके से वो लोग टिप्पणी दे रहे हैं। तमाम चीज़ों को लेकर जब आज सवाल किया गया है JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से, उन्होंने साफ तौर पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान भी घूमेंगे और हिंदुस्तान भी घूमेंगे, क्योंकि हम लोग सांप्रदायिक लोग हैं, उन्माद फैलाने वाले लोग नहीं है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस वीडियो में। संविधान ही पढ़ के ना आए होंगे, इसलिए उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए आपको। उनको ये बताना चाहिए कि विवेक ओबेरॉय आर्थिक सलाहकार प्रधानमंत्री जी के हैं कि नहीं, और उन्होंने 3 दिन पहले जो समाचार पत्रों में भी खबर छपी है संविधान के बारे में क्या कहा है, ये बात उनको बताना चाहिए। बाकी तो नरगल बात तो बोलते हैं। आप लोग नरेंद्र मोदी से डर गए हैं, आप लोग नरेंद्र मोदी से डर गए हैं। नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, पूरा देश देख रहा है। नरेंद्र मोदी INDIA के गठन के बाद से ही हताशा में है, घबराहट में, और ये पूरे देश ने देखा। जब वो अविश्वास प्रस्ताव पर उत्तर दे रहे थे तो 1.5 घंटा INDIA पर भाषण दे रहे थे, ये उनके घबराहट का नाम प्रतीक है, उनके हताशा का नाम प्रतीक है। तो घबराए हुए वो हैं, हम लोग घबराए हुए नहीं हैं। हम लोग इस बार नरेंद्र मोदी जी को विदा कर दो, पाकिस्तान भी घूमेंगे, जदयू वाले हिंदुस्तान भी घूमेंगे, इसलिए कि हम लोग धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोगों में नहीं है। हम लोग समाज में सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सद्भाव वाले लोग हैं। नित्यानंद राय जी सांप्रदायिक उन्माद फैला के, धार्मिक उन्माद फैला के वोट लेने वाले लोग, तो इसलिए वो इस तरह की बात करेंगे ही। देखो पटना में अरे पटना लोकसभा के अध्यक्ष को पटना के DM से और लाठीचार्ज से क्या मतलब, उसकी सारी रिपोर्ट आ गई है। अब ये सब बिना मतलब का खबर बनाते रहिए। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार ये कानून व्यवस्था तो बहुत अच्छा है मणिपुर में, आप भी उनके प्रशंसक हैं, तो इसलिए कानून व्यवस्था तो मणिपुर में बहुत अच्छा है। 72 दिन के बाद FIR हो रहा है। तो आपने सुना JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को, जिन्होंने साफ तौर पे बताया है कि BJP वाले जिस तरीके से सवाल कर रहे हैं, हम लोग तो सांप्रदायिक लोग हैं, उन्वादी लोग नहीं, हम लोग पाकिस्तान भी जाएंगे और हिंदुस्तान में भी घूमेंगे। लेकिन वो लोग ये बताएं, जब प्रधानमंत्री के सामने अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था तब वो क्यों नहीं जवाब दिए मणिपुर पर, वो केवल इंडिया अलायंस पर बोल रहे थे, जो नया गठबंधन हम लोग का बना है। इसका मतलब ये है कि इंडिया अलायंस से प्रधानमंत्री में डर है और BJP और NDA वाले लोग डरे हुए, इसलिए इस तरीके का आप बयान देते हैं। खूब बरस रहे ललन सिंह BJP पर, और साफ साफ कहा है कि हम लोग जो हैं सांप्रदायिक लोग हैं और वो लोग जो हैं वो उन्वादी लोग हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देखें, जरूर सब्सक्राइब करिएगा, हमारे Facebook पेज को भी फॉलो करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।